आज हम बुकमार्क बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का शीट लिया है, उसके ऊपर स्केच पेन ड्रॉ करके लिए है। अब मैंने एक पेपर लिया है, उसके ऊपर वाटर अप्लाई करके ले रही हूँ और वो जो कलर है वो ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह। अब ये अच्छे से हमको सूखने के लिए रखना है। और ये जो बुकमार्क है वो बहुत अच्छा दिखता है। आप पेंटिंग के अलावा ऐसा स्केच पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी हमारी पेंटिंग या फिर हमारे जो हम जो बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छा आता है। पेंटिंग से भी अच्छा आता है, मतलब वाटर कलर से, एक्रेलिक कलर से भी अच्छा ये स्केच पेन की पेंटिंग दिखती है। अभी अच्छे से सूखने के बाद मैंने उसको ऊपर थोड़ा सा फ्लावर निकालने का मेरा प्लान था, लेकिन मैंने बाद में वो चेंज किया और इसके ऊपर ऐसे लीफ जैसा मैं निकाल के ले रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इजीली बुकमार्क रेडी होता है 10 मिनट में। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है ये भी मुझे बताना। हमारे 8K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब जल्दी गिव अवे का वीडियो आएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे हमारे चैनल पे उसको गिव अवे का विनर किया जाएगा। तो जल्दी से सभी वीडियो देखो और कमेंट्स करो। और आपको ये बुकमार्क कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या बता सकते हो दीदी इसका वीडियो बनाओ। और ये हमारा आज का बुकमार्क रेडी हुआ है अब। और इसको एक छोटा सा पंचिंग मशीन की सहायता से हम होल पाड़ के लेंगे और उसमें थोड़ा सा एक धागा हम इसमें डाल लेंगे और हमारा बुकमार्क रेडी हो जाएगा। ये जो लीफ मैं निकाल रही हूँ वो बहुत इजी है निकालने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये लीफ निकालने में। तो आज का हमारा बुकमार्क रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी वीडियो आएगा, उसके नीचे कमेंट्स करनी है आपको। बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। देखेंगे बाकी कल के वीडियो में।